गरम हो चुका है, परोठा डाल देंगे। जैसे पक चुका है, पराठा बनाने के लिए मैं घी का यूज कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, घी, रिफाइंड तेल, सरसों तेल। चाय पराठा बन चुका है। पराठा आप चटनी या अचार मसाला के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलिए, खाने वाले बैठ रखे हैं, देख के आप लो, वहाँ पे बैठो ध्यान से। ये तो रहा, फिनिश करना। जाओ यहीं पे बैठो, डोरमेट के। बैठ जाओ, गरम है। चीनी पाउडर एक कटोरी ले रही हूँ और इसी कटोरी से मैदा आधी कटोरी और बेसन आधी कटोरी और आटा एक कटोरी, इन सबको मैंने मिला के अलग अलग भून लिया था पहले ही ब्राउन होने तक। और ये सब कुछ भून चुका है और अब हम इसमें चीनी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। और इसमें हम धीरे धीरे घी मिलाएंगे। ये घर का बना हुआ घी है जो अभी मैंने बनाया था। धीरे धीरे मिलाएंगे। आंच को मैंने बंद कर रखा है। ये जो घी से निकला था नीचे, इसको भी मिला देंगे हम, जो नीचे साइड बच जाता है घी का, इसको भी मिला देंगे। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। लड्डू बनने लायक हो गया है। हम इसमें नारियल पाउडर भी मिला देंगे और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हो, काजू बादाम पिस्ता
लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, जो घर में है वही मिक्स कर रही हूँ। नारियल का बुरादा मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। ये रहा लड्डू, तैयार हो गया है, सारा बना दिया था। आलू पराठा और लड्डू तैयार हो चुका है। और आइए आप सब भी, जिन जिनको पसंद है आलू पराठा और लड्डू, और पराठा चटनी सॉस अचार मसाला के साथ भी खा सकते हैं। और मेरी वीडियो यहीं तक का था। अगर आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।